फिलहाल डीबीटी टू पोर्टल और वेलकम नाउ फॉर न्यू प्रैक्टिस सेट फाइलम निडेरिया यानी सेल सीलेंट डेटा। तो निडेरिया का दूसरा नाम ही सीलेंट डेटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिटेल में चलेंगे पहले, फिर उसके बाद एमसीक्यू होंगे। तो यहाँ पर कुछ डिटेल में पढ़ लेंगे। निडेरियंस आर द एक्सक्लूसिवली कर्निवोरस नो हर्बीवोरस फॉर्म आर द नाउंस। तो सारे जो निडेरियंस हैं कर्निवोरस हैं यानी मांसाहारी। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, दोनों तरीके का है डाइजेशन। और विदाउट हेड और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम रेस्पिरेटरी, मतलब बिना मतलब हेड नहीं पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिर्कुलेटरी एक्सेट्री एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम इज द सिंपल नर्व नेट, जो नर्वस सिस्टम है सिंपल सिंपल टाइप का है। तो यहाँ पर लार्जली नॉन इसमें जो है न्यूरॉन नहीं पाई जाती हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन पाई जाती हैं इसमें, लार्जली नकेड होती हैं जो कि सेंस ऑर्गन द स्टेटोसिस्ट होता है जिसे टेंटाकुलिस्ट कहते हैं। और यहाँ पर ओसली टाइप का होता है, ओपलेक्ट्री पिट होती है। रिप्रोडक्शन बहुत होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो लाल वाली स्टेज है उसे पेरेनुला ओविया में पाई जाती है, पेरेनुला जो है ओविलिया में, और इफायरा जो है अरेलिया का लार्वा है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज में पाए जाते हैं। और नंबर ऑफ एक्सटेंट स्पीसीज यहाँ पर 11,000 हैं। और फाइलम निडेरिया जिसका मीन्स है निडी, निडी मतलब निटर या स्टिंग सेल्स, स्टिंग सेल्स है इसका मीनिंग। यहाँ पर विशेष चीज़ चलेंगे यहाँ पर, और इसको कह रहे थे निडी निडिया निमोटोसिस्ट। और यहाँ पर सिलेंटेंट जो है नाम किसने दिया था, तो दीज निमेटोसिस्ट मेनली कंसर्न विद द कैप्चर डिफेंस एंड अटैचमेंट। जो निमेटोसिस्ट है वो का काम करती है, यहाँ पर फूड कैप्चर करती है और डिफेंस का मतलब सुरक्षा, और किसी से चिपकने से मतलब किसी से जुड़ने या किसी पकड़ने के काम में आती। तो क्या क्या, फूड कैप्चरिंग डिफेंस यानी अपनी रक्षा करने के लिए, और अटैचमेंट मतलब सहारा पाने के लिए टेंटा और निमेटोसिस्ट यानी टेंटाकुलिस्ट जो काम करते हैं। दीज एनिमल आल्सो पोसेस द कैविटी, जो इस यहाँ पर सिलेंट्रेड जो हैं एनिमल्स उनमें यहाँ पर सिलेंट्रार कैविटी पाई जाती है, और जिसे सिलेंट्रार कैविटी मीन तो इंट्रॉन्स, इंट्रॉन मीन्स इंटेस्टाइन। तो इससे पहले हम सिलेंटेट कहते थे, जाने जाते थे जो निडेरियंस हैं। और यहाँ पर जो सिलेंटेटा नाम दिया है लोकार्ट ने दिया था, और 1847 में। और यहाँ पर इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल टिशू ग्रेड है, और पोरीफेरा में यहाँ पर सेलुलर ग्रेड था। यहाँ पर जो निडेरियंस हैं सारे उनमें सेल टिशू यानी टिशू ग्रेड है। और जो एम्फीबिया हैं और कार्डेट्स हैं जो ऑर्गन सिस्टम लेवल उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, फैसिओलो का यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। और जो यहाँ पर निडोरियन जितने भी हैं डिप्लोब्लाटिक और मेटाजुआ हैं, और जो टू जर्म लेयर होती हैं, जो डिप्लोब्लाटिक मतलब टू जर्म लेयर जो होती हैं एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, और जो कि सेपरेटेड बाय एक्टोडर्म प्राइमरी डाइरिवेट नॉन सेलुलर जेली लाइक मैट्रिक्स का रहता मीजोगेलिया, इनके दोनों के बीच में मीजोगेलिया होती है पाया जाता है। आल निडेरियन एक्यूटिक होते हैं आल्सो पोरीफोरा स्लेटिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, जो आल निडेरियंस हैं जो एक्यूटिक होते हैं जैसे पोरीफोरा टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। सम फ्रेश वाटर बट मोस्टली मेराइन होते हैं, और सोलेट्री हाइड्रा होता है, कॉलोनी ओबिलिया होती है, और सेडेंट्री ओबिलिया होती है, और फ्री स्विमिंग और रेलिया होती है। तो जो सोलेट्री है वो हाइड्रा होता है और या कॉलोनियन होता है हाइड्रा। और दूसरा ओबिलिया है जो सेडेंट्री होती है मतलब एक जगह पर जुड़ी होती है चट्टानों से, और ओबिलिया जो कि फ्री स्विमिंग भी हो सकती है, और रेलिया यहाँ पर फ्री स्विमिंग है। निडेरियन एक्सिबिट अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल पॉलीप्लॉइड सेसल एंड अटैचमेंट, तो जो निडेरियंस हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक के बाद एक से सेक्सुअल फेज, फिर यहाँ पर
असेक्सुअल फेज, इसके बाद यहाँ पर जो राइप साइकिल है इनके एक के बाद एक जनरेशन आती रहती है, तो उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, जो कि निरेंद्र में निर्मित होती है। तो यहाँ पर सेसिल फेज और अटैचमेंट फेज, पॉलीप्लेट जो है सेसिल फेज होती है, और सेक्सुअल जो है मेडोसा बोल है जो पॉलीपॉइड है वो सेसिल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर पॉलीप्लॉइड है जो सेसिल होता है, जो किसी धरातल से जुड़ा होता है। सेक्सुअल मेडूसा होता है, सेक्सुअल ज्वाइड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर मेडूसा होता है जो कि फ्री स्विमिंग होता है, और इसी को यहाँ पर असेक्सुअल पॉलीप्लॉइड और सेक्सुअल एग्जांपल है, असेक्सुअल एग्जांपल पॉलीप्लॉइड है जो कि सेसिल होता है, और सेक्सुअल स्टेज में यहाँ पर मेडूसा होता है एग्जांपल सेक्सुअल फेज का जो कि फ्री स्विमिंग होता है। तो यहाँ पर एक के बाद एक, पहले असेक्सुअल फिर सेक्सुअल, तो उसे एक के बाद एक जनसंख्या मतलब जनरेशन आती है तो मेटाजेनेसिस कहते हैं। सब मेंबर लाइक फैसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ बार, इसका दूसरा नाम है एक्सिबिट द पॉलीमॉर्फिज्म, जो फैसेलिया है वो पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करती है, मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल लाइक डेक्टर और डेक्टेलो ज्वाइड प्रोजेक्टिव पॉलीप विदाउट द माउथ एंड विद लॉन्ग बेसल रेंटाकल्स, और जिसे गेट्रो ज्वाइड कहते हैं। तो ओवेलिया है यहाँ पर, फैसेलिया है जो कि कई रूप हैं यहाँ पर, तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ओवेलिया में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, और इसको जो टेंट उसे यहाँ पर प्रोटेक्टिव होता है माउथ एक लॉन्ग डेंटा के लिए, इसे गेट्रो ज्वाइड कहते हैं। फ्री फीडिंग पॉलीप विद द माउथ एंड द लॉन्ग टेंटाकल्स, जो पॉलीप है तो माउथ और लॉन्ग टेंटाकल से अपना फीडिंग करता है, जिसे गोनोजॉइड कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पॉलीप विद द रिप्रोड्यूस और सेक्सुअल मेडूसा आर गोनोफोर्स। तो एंटीरियर ऑफ द बॉडी, एंटीरियर ऑफ द बॉडी हाइपरटो जो हेड्रा की एंटीरियर बॉडी है उसे हाइपनोटोसोम कहते हैं, विद द माउथ यहाँ पर ऑन द विद ऑन विच माउथ इज लोकेटेड, जो हाइपनोस्टोम होता है उस पर माउथ पाया जाता है। माउथ इज सराउंडेड बाय द टेंटाकल, माउथ के चारों ओर टेंटाकल पाए जाते हैं, सॉलिड इन ओवेलिया में होता है और हॉलो इन हाइड्रा, यहाँ पर जो टेंटाकल्स हैं सॉलिड पाए जाते हैं ओवेलिया में, और जो खोखले होते हैं हॉलो तो वो हाइड्रा में पाए जाते हैं। ओनली अ सिंगल ओपनिंग विद द सेयर माउथ अस्बोथ माउथ एंड एनस, जो कि एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे एक माउथ यानी एक मुंह और एनस की तरह एक ही ओपन होती है, पर मुंह माउथ एंड एनस की तरह काम करती है दोनों एक ही ओपनिंग, तो उसे ब्लैंड सेक प्लांट कहते हैं। एल्गी जो कि पाई जाती है हाइड्रा में तो उसे कोरोला कहते हैं, कोरोला बैगलीथ। एल्गी लिव इन द मस्कुल न्यूट्रिएटिव सेल ऑफ हाइड्रा, बॉडी ऑफ हाइड्रा हैज नो सेगमेंटेशन, हाइड्रा हैज ए सिलेंड्रिकल बॉडी विद द 6 to 10 हालो टेंटाकल्स, यहाँ पर 6 से 10 टेंटाकल पाए जा सकते हैं हाइड्रा में। हाइड्रा टेंटाकल हेल्प इन द लोकोमोशन, जो और फूड जो लोकोमोशन और फूड कैप्चर के लिए जो हाइड्रा के टेंटाकल से वो काम करते हैं, और इसके जो एनालोगस हैं जो कि सीडोपोडिया अमीबा की तरह हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एनालोगस अमीबा के सीडोपोडिया की तरह हैं, जो टेंटाकल हाइड्रा के हैं वो एनालोगस मतलब समझात हैं, जो कि किन की तरह सीडोपोडिया अमीबा। द बेसल पार्ट ऑफ हाइड्रा हैज पेडल और बेसल डिस्क, बेसल पार्ट है जो यानी नीचे का जो धरातल वाला जुड़ा जुड़ा था उसे पेडल कहते हैं या बेसल डिस्क कहते हैं। माउथ इज सिचुएटेड ऑन द मेनुब्रियम और द हाइपनोस्टोम, तो माउथ यहाँ पर मेनुब्रियम पर या हाइपनोस्टोम पर स्थित होता है, बहुत सेंसिटिव होता है रीजन ऑन द बॉडी। हाइड्रा हैज नो एनस, तो हाइड्रा में एनस नहीं पाया जाता क्योंकि वो माउथ होता है, उसी से भोजन खाया जाता है, उसी से वो मतलब एग्जिस्ट होता है। द बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बिटवीन थिन टेंटिकल ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर मेसोगिलिया, तो जो खास खास चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो बॉडी कैविटी है उसे गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल ग्लैंड सर्व
नर्व सेंसरी एंड इंटेस्टाइन सेल्स, जो खास चीज़ें हैं, जो मतलब जो फैक्ट चीज़ें हैं उसे पढ़ेंगे हम। माइक्रोफिल ऑफ हाइड्रा इज ऑल स्मूथ, तो सारे माइक्रोफिल जो हाइड्रा की होती है वो स्मूथ होती हैं। और जो कंट्रक्शन ऑफ मसल्स फाइबर ऑफ एंडोथेलियोमस्कुलर सेल्स ऑफ न्यूट्रिटी मसल्स रिड्यूस द डायमीटर ऑफ बॉडी वर्क द सेलकुलर मसल्स। मेसोग्लिया इन थिन सेलुलर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन सेलाउज मैट्रिक्स एंड कैन बी क्रॉस बाय द इंटरस्टीटियल सेल, इट नाइदर सेलुलर नॉर फाइब्रस। जो सेलुलर मैट्रिक्स है ना तो सेलुलर है ना तो वो ना ही सेलुलर है ना तो फाइब्राइज है दोनों में। बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड द सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जो बॉडी कैविटी हाइड्रा में पाई जाती है उसे सिलेंट्रॉन भी कहते हैं या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, जो क्वेश्चन बन सकता है। ये फाइसेलिया का चित्र है, फाइसेलिया जिसे पोर्तुगीज बार ऑफ मैन कहते हैं, और अरेलिया है इसका क्लास जो फाइसेलिया है, और इसका यहाँ पर क्लास एंथोजुआ, ये क्लास एंथोजुआ का है, और जो अरेलिया है इसका स्काइफोजुआ क्लास है। और अरेलिया के यहाँ पर ये गोनड पाए जाते हैं घोड़े की नाल की तरह, और ये मेंडीपुरम है जिसे सी एनिमोन कहते हैं, एंथोजुआ इसका क्लास है, इसका स्काइफोजुआ है। तो यहाँ पर जो एनिमल है उनके हिसाब से हम क्लास पूछा जा सकता है, इसका एंथोजुआ है जो फासेलिया है, और इसका स्काइफोजुआ जो कि अरेलिया है मेंडीपुरियम, यहाँ पर एंथोजुआ है इसका, इसका हाइड्रोजुआ है, फासेलिया का हाइड्रोजुआ है, गलत हो गया, फासेलिया का क्लास है हाइड्रोजुआ, और इसका यहाँ पर स्काइफोजुआ, इसका यहाँ पर एंथोजुआ जो कि मेंडीपुरियम है, मेंडीडियम जो कि एंथोजुआ इसका है, इसे सी एनिमोन कहते हैं, इसका मेंडीपुरियम का दूसरा नाम सी एनिमोन है। और यहाँ पर जो हाइड्रा है ये हाइड्रा का है, ये यहाँ पर 6 से 10 टेंटाकिल पाए जाते हैं, ये तो यहाँ पर 6 टेंटाकिल हैं, इसे पैडल डिस्क कहते हैं, इसे स्टाल कहते हैं। माउथ स्थित होता है अपना हाइपनोस्टोम, ये बताया था अभी ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ा और डिटेल है इसकी, हाइड्रा के बारे में पढ़ लें। अब्राहम ट्रेम्बली 1744 ए स्विस बायोलॉजी डिस्कवर द हाइड्रा। जो अब्राहम ट्रेम्बली हैं उन्होंने 1744 में हाइड्रा की खोज की थी, जो स्विस बायोलॉजिस्ट थे। उसके बाद लिनियस ने इनका नाम दिया था, आफ्टर द लिनियस ग्रेट सर्पेंटाइन 9 हेडेड ड्रैगन ऑफ द चिरिक वर्ल्ड। कुछ खास चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे हम। तो हाइड्रा ओल्ड ग्रीक वर्ड, जो हाइड्रा मतलब क्या है इसका अर्थ, तो इसका ग्रीक वर्ड में है वाटर सर्पेंट। हाइड्रा इज सोलिटरी पॉली फाउंड इन द फ्रेश वाटर या स्टेग्नेट वाटर, फ्रेश मतलब स्टेग्नेट वाटर। हाइड्रा इज डिप्लोब्लाटिक एंड रेडिली सिमेट्री एनिमल होता है। और असिलोमेट होता है, जो हाइड्रा है और असिलोमेट हाइड्रा प्लेटी हेलमिंथी जो हैं असिलोमेट होते हैं। और इसमें जो सिलेंट्रेट हैं सारे, उसमें सेलुलर अर्गन वो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लोरेला बेडिस्मा इज द कार्य द ग्रीन एल्गा ग्रीन हाइड्रा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरेला बेसिडिमा है उसकी कैविटी में पाया जाता है, ग्रीन हाइड्रा इसलिए होता है। इट ग्रीन बिकॉज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन विथ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। यहाँ से एमसीक्यू चलेंगे। यहाँ पर सिलेंट्रेट डिफर फ्रॉम द अदर एनिमल इन द हैविंग, किसकी उपस्थिति में यहाँ पर जो है होने पर अदर एनिमल से भिन्न है सिलेंट्रेटा से। विच ऑफ दीज नॉट सिलेंट्रेट, तो इनमें से कौन सा सिलेंट्रेट है, सिल्वर फिश है जो कि इसका नाम ही है, आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट है। सिलेंट्रेट आर द करेक्टर बाई, तो यहाँ पर होगा स्टिंग सेल्स यानी निपेटोसिस्ट।
व्हाट इज द करेक्टर फीचर ऑफ द सिलेंटेट, तो इसका करेक्टर फीचर है टेंटाकिल अराउंड द माउथ, जो माउथ है उसके चारों टेंटाकिल पाए जाते हैं। ये तो नहीं है मगर ये यहाँ पर सी वाला सही है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इसमें पाई जाती है सिलेंटेट में, तो विशेषता है इसकी। मेटाजेनेस अकरिंग, तो मेटाजेनेस हमें पाई जाती है ओवेलिया में पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे कहते हैं, पोलीपोर जो फेज है सेक्सुअल है और मेडूसा है सेक्सुअल पोज, तो एक के बाद एक आने की पीढ़ी एक अंतर को कहते हैं, तो इसे मेटाजेनेस कहते हैं। पहले सेक्सुअल फेज आएगी फिर असेक्सुअल, या पहले सेक्सुअल फेज फिर असेक्सुअल फेज, तो इसे लगातार एक के बाद एक आने की प्रक्रिया को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पुर्तगीज ऑफ बार ऑफ मैन, पुर्तगीज मैन ऑफ बार, तो एम पर अरेलिया होगा, वो पुर्तगीज बार ऑफ यहाँ पर फैसेलिया होगा डी वाला। फंक्शन ऑफ डैक्टोलॉइड इन द पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी इज, तो फंक्शन ऑफ डैक्टोलॉइड इन पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी इज, और सेवन का एक हो जाए ऑफेंस एंड डिफेंस। और स्टेटोसिस आर फाउंड इन, तो स्टेटोसिस किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है ओवेलिया में। मेडूसा द रिप्रोडक्टिव स्टेज इज फाउंड इन, यहाँ पर मेडूसा पाई जाती है रिप्रोडक्टिव फेज ओबेलिया में, जो कि सेक्सुअल फेज में पाई जाती है। गोनड ऑफ ओवेलिया अकरिन, तो गोनड जो ओवेलिया में पाए जाते हैं इन रेडियल कैनाल ऑफ मेडूसा, और वो आंसर यहाँ पर डी सही होगा टेन का। इंसेलेंटेड द करेक्टरिस्टिक्स लार्वा इज, तो लार्वा का करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर किस तरीके का है, पेनुलर लार्वा ओवेलिया का होता है, और इसका आइफा लार्वा इफारा लार्वा यहाँ पर अरेलिया का होता है। तो यहाँ पर जो सिलेंटेड का है दोनों लार्वा, तो यहाँ पर सिलेंटेड का लार्वा पेनुला में मिला है, 11 का सी हो जाएगा। स्काइपोजोन मेडूसा आर द मोर कॉमनली नाउन एज, तो जो स्काइपोजोन मेडूसा है तो उसे क्या कहते हैं, स्काइपोजोन को जो है अरेलिया का लार्वा है जिसे जेली फिश कहते हैं। इफारा इज द लार्वा, तो इफारा लार्वा अरेलिया का है, जो कि अभी बताया था स्काइपोजोआ क्लास से आता है उसका। और टेंटाकुलस्ट इन द जेली फिश हेल्पिन, तो टेंटाकुल जो जेली फिश में है तो इसको क्या काम है, फोटो रिसेप्टर केमो रिसेप्टर बैलेंसिंग आयरन ऑल ऑफ दी, 14 का डी हो जाएगा। ये सारे काम होंगे यहाँ पर बैलेंसिंग काम के लिए होते हैं टेंटाकुलिस्ट, जो छाते की तरह यहाँ पर होते हैं तो बैलेंस बनाए रखते हैं एनिमल में। द जेनेरिक नेम ऑफ कॉमन जेली फिश इज, तो जेनेरिक नेम कॉमन जो जीनस नेम पूछ रहा है तो इसका अरेलिया होगा, जेली फिश कहते हैं जिसे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए निडेरियन, तो इनमें से कौन सा है निडेरियन मतलब सिलेंटेट है, तो सी एनीमोन है जो कि मैंडिबुरियम कहते हैं उसे, 16 का सी सही होगा। और यहाँ पर ये सेहर्स से कुकुम्बर मोलस्का है, सेआरचे निकाइनोडर्मेट्स है। और जेनेरिक नेम ऑफ सेफर इज, तो सेफर जेनेरिक नेम क्या है, तो यहाँ पर ओवेलिया है, तो आंसर यहाँ पर सी 17 का ये हो जाएगा, ओवेलिया का जननम सीफर है। आर्गन पाइप कोरल इज कॉल्ड, टूबीपोरा को कहते हैं आर्गन ऑफ आर्गन पाइप कोरल। द साइंटिफिक नेम ऑफ रीड कोलर है, जैसे मूंगा, तो मूंगा जो है साइंटिफिक नेम क्या है रीड कोलर जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर फंजिया होगा इसका, 90 का डी होगा यहाँ पर, कोलेरम रोबेबम, रीड मूंगा का नाम है यहाँ पर कोलेरम रोबेबम, जो कि मोती उद्योग में काम आता है, यूज किया जाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए बाय रेडियल सिमेट्री, तो इनमें से बाय रेडियल सिमेट्री पवन पाया जाता है, सी एनिमोन पाई जाती है, और टीना टीनोफोरम में भी पाई जाती है बाय रेडियल सिमेट्री, सी एनिमोन में भी जिसे मैंडिपोरियम कहते हैं। और यहाँ पर एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कोरल, तो सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल कौन सा है, फंजिया होगा, ये सॉफ्ट कोरल है।
वो सॉफ्ट कॉर्नर अपन अल्को अल्सी अल्सियोनियम अल्सियोनियम एंसर डी सही होगा। कोरल आर मोस्टली फाउंड इन द बॉर्म पार्ट ऑफ, जो कोरल मोस्टली फाउंड इन द बॉर्म पार्ट ऑफ, तो यहाँ पर होगा मेडिटेरियन से। 22 का आंसर बी सही होगा, पैसिफिक रीजन पैसिफिक ओनसेन प्रशांत महासागर में कोरल मोस्टली फाउंड इन द बॉर्म पार्ट ऑफ पैसिफिक ओनसेन। मेडूसा स्टेज इन कम्प्लीटली अब्सेंट इन, तो जो मेडूसा स्टेज है किसमें नहीं पाई जाती पूरी तरह, तो यहाँ पर तो इसका आंसर ये होगा मेंड्रीडियम में, जो कि सी एनिमल कहते हैं इसे। ए कोरल आइसलैंड विद द सेंट्रल सेलो लाइक इज नाउन एस, तो इसे कहते हैं कोरल अटॉल कहते हैं, जो सेंट्रल में खाली जगह हो चारों तरफ से। एक आइसलैंड है, एक कोरल आइसलैंड, एक कोरल का आइसलैंड है जहाँ बीच में यहाँ पर उथला हो और लेक हो, तो इसे उसे कहते हैं अटॉल। हाइड्रा इज, तो हाइड्रा क्या है, हाइड्रा इज है, तो हाइड्रा यहाँ पर फ्रेश वाटर मराइन डिप्लोब्लाटिक एंड रेडियल सिमेट्री, आंसर यहाँ पर बी सही होगा, आंसर ये सही होगा, फ्रेश वाटर डिप्लोब्लाटिक एंड रेडियल सिमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव द स्कैचर्ड सेल विद द सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे जो हैं सिलेंटेट हैं उसमें टिश्यू ग्रेड पाया जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रा है एक सिलेंटेट। स्पंज में सेलुलर लेवर पाया जाता है, और स्पंज में सेलुलर लेवर ग्रेड इटारफिस में यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवर, और यहाँ पर लीवर फुट में ऑर्गन सिस्टम लेयर। एन एनिमल बीच डिप्लोब्लाटिक एंड रेडियल सिमेट्री इज, तो डिप्लोब्लाटिक रेडियल सिमेट्री यहाँ पर होगा मेंटिडियम, वो यहाँ पर होगा मेटाफिर, आंसर और सी सही होगा 27 का, वो मेंड्रियन मेंड्रीना डिप्लोब्लाटिक और रेडियल सिमेट्री है। हाइड्रा इज द फाउंड इन, तो हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर होगा स्टेन वाटर या फ्रेश वाटर, आंसर सी होगा 28 का। अन आसियोसियन मैचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पेरेंट पार्टनर इज द रिप्रेजेंट बाई, तो जो कोरोला और हाइड्रा है जो इसी की यहाँ पर जो सिम्बायोटिक या उसे एसोसिएशन भी कहते हैं, बेनिफिशियल हैं दोनों परस्पर, तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर रीड सिम्बायोटिक जो कोरेला है हाइड्रा की कैप्टिन पाया जाता है, इसलिए ग्रीन हाइड्रा दिखाई देता है। 29 का बी सही होगा। और जो कोरेला इजे, तो सिम्बायोटिक इन द गट ऑफ हाइड्रा, आंसर पहला ही सही हो जाएगा, वो इंट्रा सेलुलर यहाँ पर होगा इंट्रा सेलुलर सिम्बायोटिक इन हाइड्रा। द आसियोसियन एसोसिएशंस ऑफ ग्रीन एलगी विद द सेल ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड, यहाँ पर कहेंगे मेटलिज्म म्यूटलिज्म, सहभोजता। हाइड्रा कैन सडनली कंटेक्ट हिज बॉडी इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ, तो द हाइड्रा कैन सडनली कंटेक्ट हिज बॉडी लेंथ इज द हेड, यहाँ पर किसके द्वारा जो हाइड्रा है अपनी बॉडी कंटेक्ट कर लेता है, यहाँ पर होगा इपिथेलियो मस्कुलर सेल के द्वारा। विच पेयर ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा बट नॉट इन द इंडोडर्म, जो कौन सा बता रहा सेल है जो कि पाई जाती है इपिडर्मिस में जो कि इंडोडर्मिस में नहीं पाई जाती है हाइड्रा में, इंडोडर्मिस में पाई जाती है यहाँ पर कौन सी सेल है, स्टिंग सेल है इंटरस्टियल सेल है। 33 का आंसर
बी सही होगा, स्टिंग सेल एंड जर्म सेल्स, जो कि पाई जाती है एपिडर्मिस में आप हाइड्रा की, बट नो इंडोडर्म, इंडोडर्म में नहीं पाई जाती है। टोटिपोटेंट सेल इन हाइड्रा आर, जो टोटिपोटेंट है सेल तो कौन सी है यहाँ पर, जर्म मदर सेल, वो इसे कहते हैं इंटरस्टिटियस सेल। आंसर डी सही होगा, सेल ऑफ हाइड्रा प्रोसेसिंग फ्लेजला एंड आल्सो फॉर्म ऑफ सीटोपोडिया। तो सेल यहाँ पर कौन सी है जो कि हाइड्रा फ्लेजला और सीटोपोडिया पाई जाती है, तो इसमें कहेंगे आंसर 35 का ए सही होगा, इपिथेलियो न्यूट्रिएटिव। सेल ऑफ हाइड्रा विच ट्रांसफॉर्म इनटू द अदर टाइप सेल टाइप, तो जो सेल ऑफ हाइड्रा है जो कि ट्रांसफॉर्म मतलब दूसरे दूसरी सेल में के रूप में परिवर्तित हो जाती, तो कौन सी सेल है, एक सेल है जो हाइड्रा की जो रूप बदल लेती है अपना मतलब अदर फॉर्म में हो सकती है, यहाँ पर होगा इंटरस्टिटियल सेल होती है, जो इंटरस्टिटियल वो दूसरे रूप में आ सकती है, रूप बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म इनटू अदर टाइप ऑफ सेल, अदर रूप सेल में रूपांतरित हो सकती है। विच टाइप ऑफ सेल अब्सेंट इन द गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा, जो गैस्ट्रोडर्मिस में जो कौन सी सेल नहीं पाई जाती है, और 37 का ये सही होगा, स्टिंग सेल्स। माइक्रोफाइविल ऑफ हाइड्रा आर, तो जो माइक्रोफाइविल हाइड्रा है तो उसकी माइक्रोफाइविल किस तरह की होती हैं, स्मूथ होती हैं, ऑल स्मूथ। आंसर 38 का बी सही होगा, द प्रिंसिपल सेलुलर कंस्टिट्यूट ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा आर, तो प्रिंसिपल सेलुलर कंस्टिट्यूट ऑफ जो गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा है तो उसके यहाँ पर न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल होगी, 39 का आंसर डी सही होगा। वाट टेक्चर इन हाइड्रा फंक्शनली करोस्पॉन्ड टू द सीडोपोडिया अमीबा, तो यहाँ पर होगा टेंटाकल्स जो हैं अमीबा की तरह हैं, सीडोपोडिया की तरह हैं, जो कि एनालोगस है। टेंटाकल्स ऑफ हाइड्रा हेल्प इन फूड कैप्चरिंग लोकोमोशन डिफेंस ऑल ऑफ दीज ये सभी। नंबर ऑफ टेंटाकल्स इन हाइड्रा, तो यहाँ पर 6 to 10 हो गए, जो कि हम अभी थ्योरी में पढ़ चुके हैं ऊपर। द पेडल डिस्क ऑफ हाइड्रा इज कवर्ड बाई, तो यहाँ पर होगा तैतालीस का आंसर यहाँ पर डी बी होगा, ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल। मीजोगिलिया इन हाइड्रा इज सेक्रेटेड बाई, तो मीजोगिलिया यहाँ पर किसके द्वारा बनती है, तो 44 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस दोनों के द्वारा आंसर आप सी सही होगा, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों के द्वारा मीजोगिलिया सेक्रेट होती है। द मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा इज नाउन एज, तो मीजोगिलिया कैसे हैं जो मिडिल लेयर है दोनों के बीच में पाई जाती है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के। हाइड्रा इज करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ टिप्लो, यहाँ पर गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी एक्सेलेरेटेड का विशेष लक्षण है। बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज, तो बॉडी कैविटी जो हाइड्रा में है उसे क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन, ऑल सिलेंट्रेंट में जो बॉडी कैविटी है उसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। एनिलीडा में साइजोसील, इकाइनोडर्मा में था इंट्रोसील कहते हैं जो बॉडी कैविटी। सिलेंटेटा सिलेंट्रॉन ऑफ हाइड्रा सर्व डबल पर्पस ऑफ, जो सिलेंटर यानी बॉडी कैविटी है हाइड्रा में पाई जाती है, जिसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं या सिलेंटार्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर किस काम के लिए है, किन दो कामों के लिए है, तो डाइजेशन एंड यहाँ पर डाइजेशन और सर्कुलेशन, आंसर यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, डाइजेशन और सर्कुलेशन के लिए कैविटी होती है। नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर इम्पोर्टेंट फॉर, तो नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा है किसके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कैप्चरिंग एंड प्रे
पैरालाइजिंग प्रे, जो नेमाटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा है उसको पकड़ने के लिए शत्रु को, और फिर मतलब पैरालाइज असहाय करने के लिए, दोनों काम के लिए। सेल फ्रॉम नीडोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा इज डेरिवेट, जो सेल है नीडोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा, तो जिसे टेंटाकिल कहते हैं, तो किससे यहाँ पर बनी होती है, वो यहाँ पर होगा तो एपिथेलियल मस्कुलर सेल। 50 का आंसर एक सही हुआ, इंटरस्टिटियल सेल्स से बनी होती है यहाँ पर नीडोब्लास्ट या टेंटाकिल्स, जो कि सेल जो हैं रूपांतरित हो जाती हैं, और जो रूपांतरित सेल हो जाए उन्हें इंटरस्टिटियल सेल भी कहते हैं, जो कि एक नंबर ए वाली हैं, जो इन्हें रूपांतर सेल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रा के टेंटाकिल्स हैं वो डेरिवेट होते हैं इंटरस्टिटियल सेल से, आंसर एक सही होगा। पाइजन बी फाउंड इन द नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, तो जो हाइड्रा की नेमेटोसिस्ट में पाइजन किस तरीके का पाया जाता है, तो उसे कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। द नीडल लाइक प्रोसेस ऑफ नीडोसाइट इज कॉल्ड नेमेटोसिस्ट, जो नीडल लाइक प्रोसेस है नीडोसाइट इज कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। जो नीडल लाइक मतलब प्रोसेस है बता रहा है, जो नीडल लाइक सुई तरीके की जो बनने की प्रक्रिया है नीडोसाइट जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं नीडोसिल, जो सुई बनने की प्रक्रिया या टेंटाकिल के जो आगे कॉनिकल अपर्चर्स है जो नीडोसाइट से बनता है, उसे उस प्रोसेस को नीडोसिल कहते हैं, आंसर भी सही होगा। लार्जेस्ट नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, तो सबसे बड़ा जो नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा का है तो उसे कौन सा है, 53 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, पेनिट्रेंट। नेमेटोसिस्ट अकरिन, तो यहाँ पर नेमेटोसिस्ट कहाँ पाई जाती है, नीडोसाइट में बनती है। विच एक्शन ऑफ हाइड्रा विल मोस्ट हाइंडेड इफ देयर नो सेमेटो नेमेटोसिस्ट, अगर नेमेटोसिस्ट नहीं हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित किस पर पड़ेगा, तो यहाँ पर फूड कैप्चरिंग होगा। 55 का आंसर बी सही होगा, जो सबसे ज़्यादा खाने उसको जब नेमेटोसिस्ट नहीं होंगे उसके या टेंटाकिल नहीं होंगे, तो महत्वपूर्ण यहाँ पर फूड उसे भोजन प्राप्त नहीं होगा। नेमेटोसिस्ट टेक पार्ट इन, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, ओपेंस डिफेंस में होगा, लोकोमोशन के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए, ऑल ऑफ दीज आंसर डी सही होगा। कॉमन बिटवीन द ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम एंड नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, दोनों में यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, तो ट्राइकोसिस्ट अमीबा की जो पैरामीशियम की, वो तो डिफेंस का काम करती है और अटैचमेंट का भी काम करती है, और यहाँ पर जो हाइड्रा में है इसका क्या काम है, दोनों में काम है यहाँ पर, और डिफेंस ओनली, आंसर बी सही होगा। 57 का वो अटैचमेंट एंड डिफेंस दोनों काम के लिए, जो पैरामीशियम की ट्राइकोसिस्ट है और अमीबा यानी हाइड्रा की नेमेटोसिस्ट, दोनों का काम है अटैचमेंट एंड डिफेंस, दोनों का दोनों के लिए कॉमन है दोनों में। विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नीडोब्लास्ट प्रोजेक्ट आउट द बॉडी सरफेस, तो नीडोब्लास्ट प्रोजेक्ट आउट द बॉडी सरफेस उसे कहते हैं, तो नीडोब्लास्ट है जिससे टेंटाकिल बनते हैं बॉडी सरफेस, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नीडोसिल कहते हैं, जिससे टेंटाकिल बनती है। ए ग्रुप ऑफ नीडोब्लास्ट आर कॉल्ड, तो जो नीडोसिल नीडोसिल कहते हैं, नीडोसिल जो कहते हैं जिसे टेंटाकिल बनते हैं उस प्रोसेस को, तो बता रहा है एक ग्रुप ऑफ नीडोब्लास्ट आर कॉल्ड, तो इस तरीके नीडोसाइल जो कई सेल हों तो उसमें ग्रुप बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, 59 का आंसर यहाँ पर डी सही होगा, बैटरी। द स्मॉलेस्ट नेमेटोसिस्ट इन हाइड्रा, तो सबसे छोटी नेमेटोसिस्ट यहाँ पर हाइड्रा में कौन सी होती है, 60 का होगा, बॉल वेलेंट। द हिप्नोटॉक्सिन ऑफ हाइड्रा इज केमिकली, तो केमिकल यहाँ पर उसमें जो पाया जाता है हिप्नोटॉक्सिन में कौन कौन सा है,
प्रोटीन है और यहाँ पर फोरामिक एसिड है, तो आंसर डी सही होगा, जो कि एक मतलब जो बर्रा है उसके स्टिंग में भी पाया जाता है फोरामिक एसिड। तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा, प्रोटीन एंड फेनॉल्स। इंडिपेंडेंटली इफेक्टर ऑफ हाइड्रा आर, तो स्वतंत्र रूप से इफेक्टर है जो हाइड्रा का, तो 62 का आंसर डी सही होगा, नेमेटोसाइट स्वतंत्र रूप से प्रभावित करता है हाइड्रा को, तो नेमेटोसाइट के हाइड्रा समटाइम मूव अपॉन इट टेंटाकल यूजिंग देम एज द लेंग्स, दिस इज नाउन एज, इसे कहते हैं जब अपने उस पर चलता है और टेंटाकल्स पर, तो उसे कहते हैं बाकिंग। आंसर 63 का सी सही होगा। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मूवमेंट इन द साउंड बाई द हाइड्रा, तो हाइड्रा में किस तरीके की मूवमेंट पाई जाती है, तो यहाँ पर होगा ब्रांचिंग, आंसर 64 का, यहाँ पर होगा लूपिंग, लूपिंग मूवमेंट पाई जाती है हाइड्रा में। When Hydra want to move fast in performs, तो 65 का डी होगा, समर सिल्टिंग, जब तेज यहाँ पर हाइड्रा जब तेज देर से बाल्किंग करे तेजी से, तो उसे समर सिल्टिंग कहते हैं। द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा, तो सबसे जो फेवरेट फूड है हाइड्रा का, तो उसको है बटरफ्लाई। हाइड्रा रिकॉग्नाइज हिज प्रे बाई, तो यहाँ पर होगा केमिकल स्टिमुलेट सीक्रेट बाई प्रे। आंसर सी सही होगा, 67 का। डाइजेशन ऑफ फूड इन हाइड्रा इज, तो यहाँ पर फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर देन इंट्रासेलुलर, आंसर सी सही होगा, 68 का। हाइड्रा में क्या होता है, इजेस्ट अनडाइजेस्टेड रिड्यूस ऑफ फूड थ्रू द अब्रोलल पोर, इजेस्ट अनडाइजेस्टेड रिड्यूस थ्रू द माउथ, आंसर भी सही होगा, क्योंकि हाइड्रा में केवल एनस नहीं पाया जाता है, माउथ ही पाया जाता है, जिससे भोजन ग्रहण किया जाता है, अनडाइजेस्टेड उस माउथ से द्वारा ही बाहर फेंक दिया जाता है। गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ, तो यहाँ पर होगा प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ऑल ऑफ दीज। फूड ऑफ हाइड्रा ही, तो यहाँ पर होगा सम क्रेटेशियस जैसे वाटर फ्लीज। इन हाइड्रा इजिशन टेक पार्ट बाई, यहाँ पर होगा माउथ। हाइड्रा ये अनेबल डाइजेशन, तो किस तरीके यहाँ पर किसको पाचन में असमर्थ है, शुगर को, आंसर यहाँ पर होगा फैट को, 73 का सी, स्टार्च को यहाँ पर नहीं पाचन कर सकता है, असमर्थ है पाचन में स्टार्च के, आंसर सी सही होगा। डाइजेशन ही हाइड्रा टेक प्लास बिथिन, तो यहाँ पर होगा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। न्यूट्रीशन इन हाइड्रा, तो हाइड्रा में न्यूट्रीशन किस तरीके का है, कार्निवोरस है, सारे सिलेंड्रेट में है। हाइड्रा रिकॉग्नाइज इस फूड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर होगा किसके प्रेजेंस पर यहाँ पर भोजन को पहचान लेता है, तो यहाँ पर होगा ग्यूटाथाइन, एक पदार्थ है जो कि महक निकालता है और प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए यहाँ पर एक गोटाथाइन एक तरीके का महक निकालता है जो आकर्षित करता है यहाँ पर। ग्यूटाथाइन इज सेक्रेटेड बाई, तो यहाँ पर हाइड्रा है, अभी तो बताया था क्वेश्चन ऊपर, तो यहाँ पर जो ग्यूटाथाइन इज सेक्रेटेड बाई डेफिनिया, यहाँ पर जो है डेफिनिया के द्वारा सक्रिय होता है, इसलिए यहाँ पर उसका शिकार किया जाता है हाइड्रा के द्वारा, और इसीलिए हाइड्रा अपना पहचान रखता है और क्रेटेशियन को, एनिमल को,
प्रे करने के लिए। द नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म बेस्ड इन हाइड्रा इज मोस्टली अमोनिया रिमूव फ्रॉम द होल बॉडी सरफेस, यूरिया रिमूव फ्रॉम द जो नाइट्रोजन बेस्ड है उसका हाइड्रा का, तो यहाँ पर क्या क्या है, अमोनिया है एंड रिमूव फ्रॉम द होल बॉडी अमोनिया। आंसर यहाँ पर एक सही होगा 78 का। नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज मेड अप ऑफ, तो जो मेड अप नर्वस सिस्टम है हाइड्रा का, यहाँ पर नाल पोलर नर्व के द्वारा बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, तो यहाँ पर होगा हाइड्रा। इन हाइड्रा ए हाइड्रा हैज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ द नर्वस सिस्टम फॉर द इंटर ग्रेटिंग द फंक्शन ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड इसे कहते हैं नर्व नेट सिस्टम। बिना विदाउट हेयर के जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है विदाउट ब्रेन के, उसे नर्व नेट सिस्टम कहते हैं। इस तरीके का हाइड्रा में पाया जाता है नर्वस सिस्टम। हाइड्रा शो द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिस्पॉन्स इन डिम एंड स्ट्रॉन्ग लाइट, इट शो तो हाइड्रा इज पॉजिटिव, हाइड्रा शो पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव, पॉजिटिव एज नेगेटिव रिस्पॉन्स इन द डिम एंड स्ट्रॉन्ग लाइट इज शो, तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव लाइट एंड नेगेटिव लाइट, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा डिम लाइट में और नेगेटिव होगा स्ट्रॉन्ग लाइट, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पर डिम लाइट में और स्ट्रॉन्ग लाइट में यहाँ पर नेगेटिव। पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द पॉजिटिव, नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द स्ट्रॉन्ग लाइट एंड पॉजिटिव टू डिम लाइट, आंसर डी सही होगा 82 का। हाइड्रा इज ए नेगेटिवली केमोट्रोफिक बिकॉज इट, इस यहाँ पर अवॉइड द क्लोरीनेटेड वाटर, हाइड्रा इज नेगेटिवली केमोट्रोफिक बिकॉज इट अवॉइड द क्लोरीनेटेड वाटर, ये क्लोरीनेटेड वाटर से दूर रहता है क्लोरीन के, तो इसे नेगेटिवली केमोट्रोफिक होता है इसमें। इन अन इलेक्ट्रीफाइल्ड टेंटाकिल एंड ऑफ हाइड्रा बेंड टुवर्ड, वो इलेक्ट्रीफाइल्ड में जो टेंटाकिल हैं किस तरह के जाएंगे, किधर किधर, यहाँ पर होगा यहाँ पर कैथोड है ये नेगेटिव है और एनोड है ये पॉजिटिव है, तो किस तरीके किधर जाएगा, पॉजिटिव तरह की या नेगेटिव तरह, तो यहाँ पर आंसर 84 का ये सही होगा नेगेटिव, और पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ झुक जाएंगे उसके टेंटाकल्स। इन हाइड्रा रिप्रोडक्शन यहाँ पर किस तरीके का होता है, तो 85 का आंसर सी सही होगा, बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा इज, तो हाइड्रा यहाँ पर होगा डायोसियस और मोनोसियस, तो 86 का आंसर यहाँ पर डी सही होगा। बडिंग इन अस नॉर्मल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन, जो बडिंग है तो नॉर्मल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसने पाया जाता है, तो यहाँ पर होगा हाइड्रा एंड टेपवर्म, हाइड्रा एंड स्पंजेस, तो आंसर बी सही होगा। बडिंग एंड नॉर्मल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग, तो बता रहा है बडिंग है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो कौन दो किस किस में पाया जाता है, तो हाइड्रा में भी पाया जाता है और स्पंज में भी पाया जाता है, तो 87 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा। ए सिंगल मैच्योर हाइड्रा में भी बियर, एक सिंगल जो है तो सिंगल मैच्योर हाइड्रा है, तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर सेवरल ओवरी और वन टेट टीज TGT 2021 में आया था कि जो हाइड्रा है
उसमें कितने टेटिज हैं, तो यहाँ पर टेटिज वन होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन जो 2021 में आया था उसमें खाली यही पूछा था कि हाइड्रा के पास कितने टेटिज होते हैं, तो वन होता है। और यहाँ पर इस तरीका से क्वेश्चन घुमा कर आया है, तो आंसर डी सही होगा। वो यहाँ पर वन ओवरी और यहाँ पर वन ओवरी और मैनी यानी सेवरल टेटिज, तो जो है एस्केरिथ में कितना टेटिज है ये आया था, तो एस्केरिथ में वन टेटिज होता है और सेवरल ओवरीज होती हैं, और यहाँ पर हाइड्रा में सेवरल वन ओवरी है और सेवरल टेटिज है, तो अपोजिट है यहाँ पर हाइड्रा और एस्केरिथ एक दूसरे से। विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन हाइड्रा, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि हाइड्रा में नहीं होती है, तो यहाँ पर हाइड्रा हर्माप्रोडाइट है, तो 89 का आंसर सी सही होगा, मैटिंग, क्योंकि यहाँ पर ये हर्माप्रोडाइट है तो इसमें मैटिंग नहीं होती है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग वैन, तो जब हाइड्रा मतलब रिप्रोड्यूस बडिंग यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल है बडिंग, तो यहाँ पर जब बडिंग कब होती है, तो पॉपुलेशन इन प्लांटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, 19 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा। टेटीज आर लोकेटेड इन हाइड्रा एट, तो टेटीज हैं तो डिस्टल हॉल पर प्रोक्सीमल हॉल पर टेटीज स्थित होते हैं डिस्टल हॉल पर। टेटीज आर फार्म्ड इन हाइड्रा फ्रॉम, तो टेटीज जो हाइड्रा से हाइड्रा में बनते हैं किसके द्वारा, 92 का आंसर बी सही होगा, इंटर स्टेटियर सेल्स। ओसाइट ऑफ हाइड्रा इज डेरिवेट फ्रॉम, तो जो ओसाइट है हाइड्रा का वो किसका रूपांतरित है, तो यहाँ पर 93 का आंसर सी सही होगा, ओगोनिया। द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन हाइड्रा इज, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर बडिंग होता है। इन हाइड्रा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, इन गैस्ट्रोकैविटी या एक्सटर्नल ओनली द बॉडी, इन एक्सटर्नल या फिर यहाँ पर इन फ्लोट ऑफ बॉडी, तो 95 का आंसर सी सही होगा, एक्सटर्नली ऑन द बॉडी। इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा गैस्ट्रोलेशन इन द रिजल्ट ऑफ, तो जो गैस्ट्रोलेशन किसके परिणाम स्वरूप होता है डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा के, तो किसके परिणाम स्वरूप है गैस्ट्रोलेशन, तो आंसर यहाँ पर 96 का आंसर डी एनिमिलेशन, डिलेमिनेशन के परिणाम स्वरूप गैस्ट्रोलेशन प्रक्रिया शुरू होती है। जो गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस है वो डिलेमिनेशन के परिणाम स्वरूप होता है, जो डिलेमिनेशन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर गैस्ट्रोलेशन होता है। इमर्जेस ऑफ द यंग हाइड्रा फ्रॉम द यूरिनेटेड एग इज कॉल्ड, तो जो यंग हाइड्रा है तो उसे इमर्जेंटिंग कहते हैं, तो यंग हाइड्रा है जो एग से हैच होता है तो उसको क्या कहते हैं, 97 का एक हो जाएगा हैचिंग। इन हाइड्रा अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनडाइजेस्टेड नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम, तो यहाँ पर किसके द्वारा, माउथ एंड नेमेटोसिस्ट, माउथ एंड बॉडी वॉल या माउथ एंड टेंटाकिल्स, तो 98 का आंसर एक सही होगा, माउथ एंड बॉडी वॉल। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर माउथ के द्वारा और नाइट्रोजन बेस्ड जो है बॉडी वॉल के द्वारा रिमूव किया जाता है। रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ हाइड्रा बाय डिस्कवर्ड बाय दो टोटी पटेंसी, जिसे रीजनरेटिव कैपेसिटी कहते हैं, किसके द्वारा खोजी गई थी,
तो यहाँ पर हाइड्रा की खोज ल्यूकार्ट ने की थी और ल्यूकार्ट ट्रेम्बली ने, तो जो कि 99 का आंसर सी होगा, ट्रेम्बली ने डिस्कवर किया था कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा या टोटिपोटेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेमेटोसिस्ट, तो नेमेटोसिस्ट के बारे में कौन सा सही है। ड्यू टू द अदर हाइड्रा डज नॉट कम कंटेक्ट नेमेटोसिस्ट, इट कैन द रीयूज्ड, इट इंजेक्शन द इंजेक्टेड कंडीशनल रिफ्लेक्स, इट इजेक्टेड टू ऑन द कंटेक्ट एंड प्रेसिस द प्रे ड्यू टू द बीच अदर हाइड्रा डज नॉट कम इन द कंटेक्ट बिट इट। तो इनमें से कौन सा बता रहा सही बता रहा है, कौन सा कौन सही है स्टेटमेंट। तो आंसर 100 का यहाँ पर सी सही हुआ, इट इजेक्टेड टू कंटेक्ट एंड पीस द प्रे। यहाँ पर नेमेटोसिस्ट है जो इजेक्ट करे, मतलब किसी शत्रु के अंदर ये मतलब इंजेक्ट कर देता है और उससे संपर्क में यहाँ पर उसको शिकार को टुकड़े टुकड़े कर देता है शिकार के। सेल ऑफ हाइड्रा हैविंग द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन रिपेयर एंड बडिंग, तो यहाँ पर होगा इंटरस्टिशियल सेल्स, और नेमेटोसिस्ट जो है वो उससे डेवलप होती है नीडो सेल्स प्रोसेस द्वारा। 101 का आंसर यहाँ पर एक सही होगा, जो इंटरस्टिशियल सेल है यहाँ पर जो टेंटाकल्स बनते हैं उसके द्वारा, और ये सेल इसी द्वारा पर यहाँ पर टेटीज बनते हैं, ओवा बनते हैं, और रीजनरेशन पावर इन्हीं सेल में होती है, और यही सेल ट्रांसफार्म रूम मतलब हो सकती हैं दूसरे सेल में रूपांतरित हो सकती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इफ हाइड्रा इज ब्रोकन इंटू पीसेस, तो अगर हाइड्रा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दें तो क्या होगा, एवरी फ्रेगमेंट ग्रो इंटू कम्प्लीट हाइड्रा। इफ हाइड्रा इज कट इंटू द टू पार्ट, तो यहाँ पर अगर हाइड्रा को दो भागों में बांट दें तो क्या होगा, माउथ बेसल डिस्क डेवलप एनी एट एंड, माउथ एंड बेसल डिस्क डेवलप अकॉर्डिंग टू प्रे माउथ एंड बेसल डिस्क की प्रेंथ ऑफ हाइड्रा। तो माउथ एंड बेसल डिस्क डेवलप अकॉर्डिंग टू प्रे माउथ एंड बेसल डिस्क इन पेरेंट हाइड्रा। तो आंसर यहाँ पर 130 का और 103 का आंसर बी सही होगा, माउथ एंड बेसल डिस्क डेवलप अकॉर्डिंग टू प्रे माउथ। माउथ और बता रहा है जो बेसल डिस्क है वो प्रे जो पहले माउथ था उसके हिसाब से डेवलप होगा, एंड बेसल डिस्क जो बेसल डिस्क है उसको जो है पेरेंट जो पेरेंट हाइड्रा है उसके हिसाब से डेवलप होगी। व्हेन ए हाइड्रा इज कट ट्रांसवर्सली इनटू टू हाफ देन देयर इज रीजनरेशन पावर, व्हेन ए हाइड्रा कट ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली मीन्स इस तरह से खड़े में, तो ये हाइड्रा है इसको अगर हम इस तरह से काट दें तो यहाँ पर ट्रांसवर्सली यहाँ पर हॉरिजेंटली इस तरीके से ये ट्रांसवर्सली होता है, ट्रांसवर्सली काट दें यहाँ पर तो क्या होगा, तो यहाँ पर रीजनरेशन पावर इज लॉस्ट, इस तरह से काट दें तो क्या होगा, 104 का आंसर एक सही होगा, रीजनरेशन पावर हो वो ख़त्म हो जाएगी वो नहीं रहेगी यानी हाइड्रा की डेथ हो जाएगी। बिच बिच ऑफ दीज फेनोमोन इज फाउंड इन हाइड्रा, तो इनमें से कौन सी जो हाइड्रा में प्रोसेस पाई जाती है। तो 105 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, मेटाबॉलिज्म। द साइंटिस्ट हु द सजेस्टेड दैट अबाउट द 45 डेज द ओल्डर सेल ऑफ हाइड्रा आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो 45 डे में हाइड्रा की सेल है जो
एक न्यू सेल में एक न्यू हाइड्रा बन जाएगा या न्यू सेल डेवलप हो जाएगी हाइड्रा से। तो किसने कहा था यहाँ पर, तो 45 दिन पुराना हाइड्रा है तो उससे एक नया बडिंग द्वारा हाइड्रा डेवलप हो जाएगा, ये किसने कहा था? तो यहाँ पर ट्रेम्बली ने कहा था, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन पावर ट्रेम्बली ने ही खोजी थी। 106 का आंसर, 106 का आंसर यहाँ पर होगा ब्रेन। ब्रेन ने कहा था कि जो है रिजर्वेशन पावर तो ट्रेम्बली ने खोजी थी, मगर यहाँ पर जो 45 दिन के बाद एक ओल्ड पुराना हाइड्रा हो जाए तो नया हाइड्रा डेवलप होगा, नया हाइड्रा डेवलप होगा, तो इसने कहा था ब्रेन ने। पिच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंटेड, तो इनमें से कौन सा सिलेंटेड है? तो यहाँ पर होगा एक 107 का आंसर बी होगा, सी पेन। बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिलेंटेड, सी पेन, सी फेदर, और सी पेन, सी फेदर, और यहाँ पर सी फैन, ये सारे जो हैं सिलेंटेड। बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिलेंटेड, तो यहाँ पर अभी हो चुका था वो सी पेन, वो सिलेंटेड नहीं है बता रहा, तो सिलेंटेड यहाँ पर सी फैन है, सी पेन भी है, सी एनीमोने भी है, और सी लिली नहीं है, ये सी लिली जो है इकाइनोडर्मेट्स है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडेप्सिया एंड द सेलेक्ट योर आंसर गिविन कोड। 109 का यहाँ पर बता रहा है कौन सा सही है। तो एडेप्सिया के बारे में बता रहा है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, और यहाँ पर इट इज कॉल्ड द सी एनिमोन, इट इज दोनों सही है, इट इज कॉल्ड द सी एनिमोन, तो एडेप्सिया है जिसे सी एनिमोन कहते हैं, और एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट केरेव है जो कमेंसलिज्म प्रदर्शित करता है। तो आंसर यहाँ पर 2 और 3 सही हुआ, बी सही हुआ आंसर, 2 और 3 आर करेक्ट। टू एंड थ्री आर करेक्ट, 109 का यहाँ पर बी हो जाएगा। सेवरल बर्ड में अकर इन द सिंगल माउथ मदर हाइड्रा एट द टाइम, देन सेवरल बर्ड में भी अकर इन द सिंगल हाइड्रा एट टाइम देन, तो यहाँ पर सेवरल बर्ड यहाँ पर कितने समय में मिली, ओल्डर बर्ड इन द एट ओरल रीजन, ओल्डेस्ट बर्ड एट द ओरल रीजन, तो यहाँ पर द कौन सा सही बता रहा है, यंगर वन, द वन टुवार्ड ओरल एंड इज ओल्डर आल इक्वल, 110 का आंसर भी सही होगा, वन टुवार्ड द ओरल एंड इज ओल्डर, जो सेवरल हाइड्रा डेवलप होंगे तो यहाँ पर टुवार्ड द ओरल एंड, जहाँ पर ओरल एंड है और पुराना हिस्सा, तो वहाँ से। इन द सिलेंटेड द माउथ ऑफ मेडूसा इज लोकेटेड ऑन, इन सिलेंटेड द माउथ ऑफ मेडूसा इज लोकेटेड ऑन माउथ या हिप्नोटोम्स, तो यहाँ पर हिप्नोटोम्स यहाँ पर माउथ है जो स्थित होता है मैन्यूब्रियम या हिप्नोटोम से, तो मैन्यूब्रियम से। 111 का ये हो जाएगा। द क्लास ऑफ सिलेंटेड विच द एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, जो पॉलीमॉर्फिज्म है जो किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर फाइसेलिया में पाया जाता है, जो कि फाइसेलिया हाइड्रोजुआ में क्लास में आता है, जो आंसर यहाँ पर, और एंथोजुआ में यहाँ पर मेंटीबियम आता है जिसे सी एनीमोन कहते हैं, और यहाँ पर स्काइफोजुआ जो है अरेलिया में आता है क्लास, तो आंसर 12 का 1 सही हो जाएगा, हाइड्रोजुआ जो कि फाइसेलिया का क्लास है, ओवेलिया का एंथोजुआ है, और अरेलिया का स्काइपोजिया। हाइड्रोजुआ इज द डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सिलेंटेड बाई, तो हाइड्रोजुआ जो बताया था अभी मैंने फाइसेलिया, तो बता रहा है जो फाइसेलिया है तो यहाँ पर दूसरे सिलेंटेड से किस तरीके से भिन्न है, तो यहाँ पर होगा
आंसर 13 का ये हो जाएगा, नॉन सेलुलर मेजोगलिया, जो मेजोगलिया है नॉन सेलुलर होती है। हाइड्रा रिसीव स्टिमुली थ्रू, तो जो स्टिमुलाई है तो किसके द्वारा प्राप्त करता है, नर्व नेट के द्वारा, और 14 का वो सेंसरी सेल के द्वारा। नेम ऑफ द कलरलेस हाइड्रा इज, तो जो कलरलेस हाइड्रा है उसका नाम है हाइड्रा बर्डिसिमा, जो कि चूक्रोरा सिम्बायोटिक मैचुअल मैचुअल यहाँ पर हाइड्रा के इंटरस्टिशियल कैविटी में पाया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल में। तो उसका नाम बता रहा है क्या है, तो कलरलेस नेम ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा बल्गेरिस। द माउथ ऑफ हाइड्रा इज ओपनड बाय द केमिकल इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पर ग्यूटाथाइन जो है, जो कि डेफनिया एक क्रेटेशियंस है, उसकी महक के द्वारा ये हाइड्रा अपना माउथ खोलता है, क्योंकि फूड की महक यहाँ पर फूड को रिकॉग्नाइज करता है, लाइक इंसेक्ट डेफनिया, जो कि सिल्वर फिश कहते हैं जिसे। 116 का आंसर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास एंथोजोआ, तो एंथोजोआ का क्लास यहाँ पर है, एंथोजोआ का यहाँ पर होगा डुजेसिया, जिसे डुजेसिया इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अरेलिया द करेक्ट, और डुजेसिया जिसे डेफिनिया कहते हैं, जो कि एंथोजोआ है, इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अरेलिया द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ लार्वल स्टेज, तो यहाँ पर बता रहा कौन सा सही है, इफायरा और स्काइफोमेटा पेलनुला। यहाँ पर जो है फिनेलुला, स्काइपोमेटा, इफायरा, उनका लार्वा स्टेज बता रहा है कौन। अरेलिया की लाइफ साइकिल में सबसे पहले यहाँ पर क्या बनगा, साइकोसोमा, इफायरा और फिनेलुला, तो यहाँ पर होगा स्काइपोमेटा, फिनेलुला और इफायरा। तो यहाँ पर सिक्वेंस बता रहा है लार्वा स्टेज की अरेलिया की लाइफ साइकिल में। 118 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा, पेलेनुला, उसके बाद स्काइपोमेटा, स्काइपोमेटा फिर इफायरा, तो यही सही है उत्तर, आंसर 18 का सी सही होगा, पेलेनुला, स्काइपोमेटा, इफायरा, क्योंकि इफायरा जो है लाइफ साइकिल में पाया जाता है अरेलिया की, ओवेलिया की पेलेनुला पाया जाता है। निडोब्लाट इज फाउंड इन, हाइड्रा में पाया जाता है। नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला पोसेस द स्पेशली स्पेशलाइज्ड स्टिंग सेल हैविंग द पॉइजनस फिल्ड विद बॉर्डेड थ्रेड, तो इसे कहते हैं सिलेंटेट में पाया जाता है, हिप्नोटॉक्सिन में पाया जाता है, प्रोटीन और यहाँ पर फिनॉल्स, जो कि केमिकल मटेरियल होता है। विच इज नॉट रॉन्गली मैच्ड, तो इनमें से कौन एक रॉन्गली मैच्ड है, एग्लिना, माइनोनेम्स, सिलियोफोरा, एक्जोनम्स, एनिलीडा, नोटोपोडिया, पैरापोडिया, निडेरिया, तो एनिलीडा नोटोपोडिया बता रहा है, निडेरिया पैरापोडिया, तो आंसर डी सही होगा, ये गलत मिलान है और सारे सही हैं। बेचारा फाउन इज नॉट फाउंड इन द हाइड्रा, तो हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, कोइनोसाइट नहीं पाई जाती है, जो कि पूरी फेरा में पाई जाती है। इन हाइड्रा नेमेटोसिस्ट आर द मैक्सिमम ऑन, तो नेमेटोसिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, नेमेटोसिस्ट मैक्सिमम ऑन
वो निमेटोसिस्ट कहाँ पर पाई जाती हैं, 123 का ये हुआ टेंटाकिल्स में, टेंटाकिल्स पर। हाइड्रा रिकॉग्नाइज स्प्रे बाई, तो यहाँ पर होगा केमिकल है, स्टिमुलेट बाई प्रे, 124 का सी सही होगा। इन हाइड्रा रिप्रोडक्शन अकर इन द फेवरेबल कंडीशन बाई बडिंग, हाइड्रा कैप्चर द विक्टिम बाई द इंजेक्टिंग केमिकल, वो यहाँ पर शिकार पर किस केमिकल के द्वारा इंजेक्ट करके उसे शिकार करता है, हिप्नोटॉक्सिन। सी फैन बिलोंग टू, दो सी फैन जो है बिलोंग सिलेंटेटा से बिलोंग करता है, जिससे यहाँ पर सी सही होगा। सी फैन और सी पैन, सी फेदर आदि जो सारे जो हैं सिलेंटेट हैं। द नर्व नेट ऑफ हाइड्रा इज लॉक, तो यहाँ पर होगा न्यूरॉन्स, वो डायरेक्शन इन द इम्पल्सेस, डायरेक्शन जो है लॉक इसमें कभी होती है डायरेक्शन इन इम्पल्सेस। पॉलीफेज इज अब्सेंट इन, तो पॉलीफेज यहाँ पर हाइड्रा में नहीं पाई जाती है, ओवेलिया फैसेलिया सारे में पाई जाती है, अरेलिया में नहीं पाई जाती है। बायरेडियल सिमेट्री एंड लॉक ऑफ द नीडोब्लास्ट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो बायरेडियल सिमेट्री है, लॉक ऑफ नीडोब्लास्ट अरेलिया, और यहाँ पर क्या है हाइड्रा एंड स्टारफिश, तो यहाँ पर आंसर एक सही होगा, 130 का, और 130 का भी हुआ टीनोफोरा एंड बोरी। टीनोफेलेना में और बोरे में नहीं पाई जाती है, टीनोफोरा में पाई जाती है, तो आंसर सी भी सही होगा। द फॉलोइंग फीचर एसोसिएट विद द निडेरियंस, तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैप्ट पाई जाती है। एनिमल आर द आइदर टू फॉर्म पॉलिप एंड मेडूसा आर बोथ, यहाँ पर ये भी सही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन हिस्ट्री ये भी सही है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होता रहा सही है। तो अल्टरनेशन जनरेशन पाई जाती है, और यहाँ पर अल्टरनेशन जनरेशन पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी पाई जाती है, तो दो पाया जाता है यहाँ पर, रेडियल सिमेट्री सभी में नहीं पाई जाती है, तो सभी में नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पर एक सही होगा, एनिमल आर एक वो दो सही हुआ, तीन सही हुआ, तो यहाँ पर अल्टरनेशन जनरेशन डायबिटीज सभी में नहीं पाई जाती, इसलिए दो तीन सही होगा, 131 का आंसर यहाँ पर करेक्ट, जो कि सभी में यहाँ पर पॉलीमेडुसा नहीं पाया जाता है, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, तो आंसर यहाँ पर सही होगा बी, दो और ओनली वन एंड टू आर करेक्ट, तो आंसर बी सही होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो यहाँ पर पाई जाती है, मगर सभी नहीं पाई जाती, बीच इज करेक्ट, तो निमेटोसिट निडेरिया में पाई जाती है, सही है, पहला ही सही होगा, वो इनकरेक्ट, हाँ वो तो इनकोलो यहाँ पर कोइनोसाइट पोरीफेरा में सही है, राइजोपोडा ट्राइकोसिस्ट, राइजोपोडा ट्राइकोसिस्ट कोले, तो यहाँ पर आंसर सी वाला है, जो 132 का सी है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, निमेटोसिट नेरिया में पाई जाती, और यहाँ पर ये भी सही है, कोइनोसाइट पोरीफेरा में पाई जाती, और कोलो कोलेब्रास्ट टीनोफोरा में पाई जाता है, मगर सी वाला ये है, ट्राइकोसिट पैरामीसियम पाई जाती, ये राइजोपोडा अमीबा का है, इसमें नहीं पाई जाती, तो आंसर सी सही होगा।
अब सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाई, तो यहाँ पर होगा सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम तो इन द हाइड्रा कंपनसेशन बाई प्रेजेंस ऑफ टेंटाकल्स गैस्ट्रोबैक्टीरियल कैविटी। आंसर सी 133 का बी सही होगा। कंपनसेटेड यहाँ पर जो हाइड्रा का सर्कुलेटरी सिस्टम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के द्वारा पूरा किया जाता है। बीच इज वन मिसमैच, तो इनमें से कौन सा मिसमैच, ओबेलिया है, सेब वाटर बता रहा है, पैसेलिया सेब वाटर बता रहा है, हाइड्रा पैग्लेरिस सेब वाटर। तो 134 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा, हाइड्रा है बल्गेरी जो कि सेब वाटर बता रहा है, ये मिसमैच है, ये फ्रेश वाटर पाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर या फ्रेश वाटर। नीडोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा आर, तो यहाँ पर होगा विथ नेमेटोसिस्ट अपर्चर्स इन हाइड्रा द नेमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन, तो यहाँ पर पाया जाएगा एपिडर्मिस पर। तो 136 का ये सही होगा। द जेलीफिश क्लासीफाइड अंडर द फाइलम, तो जेलीफिश जो आरेलिया है तो उसको यहाँ पर क्लासीफाइड फाइलम निडेलिया में रखा गया है। आरेलिया का नाम जेलीफिश है। बीच ऑफ द सेफर यहाँ पर ओबेलिया का नाम है। बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हार्ड एक्जो स्केलेटन फॉर्म्ड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर कौन है जो कि हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि एक्जो स्केलेटन बना होता है, किसका बना होता है। तो 138 का सी होगा, कोरेलियम रूबरम है जो कि पर्ल बनाने का एक एनिमल है, ये मोलस्क बोसिलेंटेड। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक सौ यहाँ पर 39, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स, तो इनमें से वर्टिब्रेट्स नहीं पाया जाता है। नीडोब्लास्ट 139 का आंसर भी सही होगा, वर्टिब्रेट नहीं है। बॉडी स्केल पाई जाती है, गिल ओपनिंग पाई जाती है, ये सारे बायोलेटर सिमेट्री पाई जाती है, सारे वर्टिब्रेट के लक्षण हैं। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इज साउंड बाई, तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान सिलेंटेड के द्वारा दिखाई जाती है, प्रदर्शित की जाती है। हाइएस्ट जो पाई जाती है, हाइएस्ट डिग्री या पॉलीमॉर्फिज फाउंड इन फाइसेलिया में पाई जाती है जो कि सिलेंटेड है। द डाइसियस एनिमल इज, डाइसियस मतलब जो ओनिसेक्सुअल एनिमल है, तो आरेलिया है, एथवाम तो डबल है, लीवर फ्लोक भी डबल है, टेपवाम भी है, तो आरेलिया है केवल यूनिसेक्सुअल या डाइसियस एनिमल। कॉम्प्लेट आर फाउंड इन, तो कॉम्प्लेट पाई जाती है आरेलिया में। 143 का डी सही होगा, यहाँ पर प्लेरोब्रंकिया में। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड इन, तो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम पाया जाता है सिलेंटेटा में जो कि विदाउट ब्रेन इन हाइड्रा में पाया जाता है, जिसे नर्व नेट कहते हैं। और साइफेनोफोरा इज द ऑर्डर इन, साइफेनोफोरा है ऑर्डर आता है निडेरियन में। सिफेनोफोरा एक ऑर्डर है जो कि निडेरिया में आता है। बायलेटर सिमेट्री इज फाउंड इन, तो बायलेटर बाय रेडियल सिमेट्री पाई जाती है बोरे में। आंसर यहाँ पर 146 का ये सही होगा, बोरे जो कि सिलेंटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ द हाइड्रा, तो हाइड्रा की बॉडी वॉल में क्या ना पाया जाता है। नीडोब्लास्ट पाई जाती है, नर्व सेल पाई जाती है, सेंसरी सेल पाई जाती है, ग्लियल सेल नहीं पाई जाती। 147 का यहाँ पर एक सही होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। हाइड्रा इज सिलेंटेड सही है, हाइड्रा इज सॉ बडिंग सही है, नर्व नेट आर एब्सेंट इन हाइड्रा, नर्व सेल्स
तो यहाँ पर नीडोसाइल फॉर द डिफेंस इन हाइड्रा, तो यहाँ पर ये सारे सही हैं मगर ये सी वाला गलत है। नीडोसाइल यहाँ पर डिफेंस नहीं, नीडोसाइट जो है प्रोसेस है फार्मेशन ऑफ टेंटाकिल्स। 148 का यहाँ पर नीडोसाइट तो सही है, यहाँ पर डिफेंस जो कि टेंटाकिल्स हैं जो डिफेंस के लिए हैं, हाइड्रा सिलेंटेट है, हाइड्रा सो बडिंग, तो यहाँ पर नर्व नेट नहीं, नर्व सेल अबसेंट इन द हाइड्रा। तो 147 का यहाँ पर तो यहाँ पर इसका ये सही था नर्व सेल, और इसका भी डी सर वो इसका डी था, हाइड्रा में नर्व सेल नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर इसमें नर्व सेल नहीं पाई जाती है, और यहाँ पर भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नर्व सेल आर अब्सेंट इन हाइड्रा, तो यहाँ पर पाई जाती है इसलिए ग्लियल सेल नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर बता रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो नर्व सेल आर अब्सेंट इन हाइड्रा जो कि पाई जाती है बता रहा अब्सेंट है, तो आंसर डी सही होगा। इन विच एनिमल बोथ इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन अकर, तो यहाँ पर होगा हाइड्रा में, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन पाया जाता है हाइड्रा में। लूपिंग एंड समरसेल्टिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन आर सीन इन, लूपिंग मतलब तेज़ से वॉकिंग करना, और यहाँ पर समरसेल्टिंग मतलब तेज़ से वॉकिंग करना, वॉकिंग करना, और लूपिंग मीन्स है एक मूवमेंट है जो कि हाइड्रा में पाई जाती है दोनों, तो आंसर यहाँ पर दोनों मूवमेंट हाइड्रा में ही पाई जाती हैं, तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा। मिस मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन, सी एनीमोन, सी एनीमोन को यहाँ पर कहते हैं पुर्तगीज बार मैन ऑफ बार, तो फाइसेलिया होगा, और मैंडेडियन मैंड्रीना, मैंड्रीना को यहाँ पर कहेंगे सी एनीमोन, और गॉर्गोनिया को यहाँ पर कहेंगे ब्रेन कोरल, सी फेन को कहेंगे अडेप्सिया, तो यहाँ पर मैच करना है हमें, कोड बनाने हैं। पहले का यहाँ पर होगा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और चौथे का यहाँ पर होगा पहला। 23-41, 23-41 कितनी है, किसी भी नहीं है, तो इसका मतलब गलत मिल रहा है। फाइसेलिया यहाँ पर होगा, और पुर्तगीज अब मैन, तो यहाँ पर पहले का तो, और डी का पहला होगा। सी एनीमोन यहाँ पर होगा, और अडेप्सिया जिसे कहते हैं सी एनीमोन। ब्रांकियल कोर तो है, ब्रांकियल कोर, ब्रांकियल कोर यहाँ पर दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा, और सी फेन होगा गार्गोनिया, समंती पंखा, गार्गोनिया को सी फेन कहते हैं। तो आप कोड बनाएं, पहले का चौथा, और दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। 42-31, 42-31 आंसर सी सही होगा। 151 का, 51 का सी सही होगा। मेरे पर टेंटाकिल्स ऑफ हाइड्रा अपेयर टू बी, तो यहाँ पर लगभग 10 to 16 होते हैं, वो 6 to 10 होते हैं, तो यहाँ पर बता रहा टेंटाकिल्स 6 to 2 होते हैं, 6 से 10 होते हैं, मतलब 6 से 10 होते हैं, तो यहाँ पर कितने लगाने चाहिए, वो 6 से 10 होने चाहिए, तो 6 से 10 हैं, तो यहाँ पर कितने लगाने चाहिए, तो यहाँ पर जो 6 और 10 के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर पहला ही आता है 8, 152 का 1 लगाना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई सिलेंटेड, तो इनमें से कौन सा सिलेंटेड है, फाइसेलिया है, तो यहाँ पर पुर्तगीज मैन ऑफ बार जिसे कहते हैं कॉमन नेम है इसका,
साइकन स्पंज है, बैलेनोग्लाथस हेमिकार्डेटा है, ब्रैंकियोस्टोमा एम्फीऑक्सिस है जो कि हेमिकार्डेटा है, फाइसेलिया सिलेंटेटा है, तो आंसर बी सही होगा। विच आर द फॉलोइंग एनिमल लैक लाक एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर होगा जेली फिश है जो कि कम्प्लीटली जिसे ब्लाइंड सेक कहते हैं पाई जाती है सिलेंटेट में और कम्प्लीटली अब्सेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल, तो यहाँ पर आंसर भी होगा 54 का। इंसेक्ट द सेलेक्ट द टैक्सोनॉमिक मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, तो यहाँ पर कौन सा है स्पीसीज जो कि मराइन और फ्रेश वाटर दोनों स्पीसीज पाई जाती हैं ग्रुप, नीडेरिया है दोनों तरीके की इसमें पाई जाती है स्पीसीज, हाइड्रा बर्गेलिस है जो कि फ्रेश वाटर सिलेंटेड है और बाकी जो आरेलिया फैसेलिया यहाँ पर ओवेलिया फ्रेश और से वाटर सिलेंटेड हैं, तो आंसर एक सही होगा। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लाक ए सेल वॉल, तो सेल वॉल कम्प्लीट लाक होती है यहाँ पर सीफेन में जो कि गार्गोनिया जिसे कहते हैं समुद्री पंखा जो कि सिलेंटेड है इसमें कम्प्लीटली सेल वॉल एब्सेंट होती है, 156 का यहाँ पर सी सही होगा। फंक्शनल सिस्टम फॉर द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट सीन इन, फंक्शनल सिस्टम फॉर द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन किस में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर सिलेंटेड में नहीं पाए जाते हैं फंक्शनल सिस्टम फॉर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, वो सिलेंटेड 157 का ई होगा। बीच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलेंटेड आज रॉन्ग, तो निडोब्लास्ट आर द प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल ऑन द बॉडी सही है, दूसरा बता रहा है डिप्लोब्लास्ट विद द सेलुलर सेलुलर लेवल, ये तो गलत है, सेलुलर लेवल यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है पोरीफेरा में, पॉलीफॉर्म आर द फ्री स्विमिंग, ये भी गलत है, पॉलीफॉर्म यहाँ पर फ्री स्विमिंग है, मेडूसा फॉर्म फ्री स्विमिंग होती है ओवेलिया में, तो मेटाजेनेसिस बनती है ये सही है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा सेक्सुअली पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसी सेक्सुअली एंड द मेडूसा फॉर्म द पॉलिप असेक्सुअली, तो यहाँ पर चौथा भी सही है, तो कौन कौन से गलत हैं बता रहा है, तो यहाँ पर एक चार पाँच गलत हैं वो सही हैं और दो तीन को गलत हैं, तो दो तीन गलत हैं तो आंसर यहाँ पर सही हुआ। यहाँ पर चौथा भी गलत है क्योंकि बता रहा है जो पॉलिप है यहाँ पर जो सही है पहला सही है दूसरा सही है और चौथा वो यहाँ पर सही है, यहाँ पर पहला सही है दूसरा सही है और सारे ये चारों गलत हैं, तीन चार पाँच ये गलत हैं, तो आंसर यहाँ पर सही होगा 158 का दिख नहीं रहा है और है। जो सही है यहाँ पर जो सही वाले पहले लगा दें पहला सही है दूसरा सही बाकी सारे गलत हैं, ये तीनों गलत हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल फेज है बता रहा है मेडूसा प्रोड्यूस करता है, इसमें बता रहा है सेक्सुअल मेडूसा प्रोड्यूस करता है, फिर यहाँ पर एक्सिबिट मेटाजेनेसिस सभी में मेटाजेनेसिस नहीं बनती है, तो यहाँ पर जो रिगार्डिंग सिलेंटेड रॉन्ग है, तो यहाँ पर एक दो तीन चार दो तीन पाँच गलत हैं, दो तीन पाँच जो हैं दो तीन पाँच गलत हैं, दो तीन दो गलत है तीन गलत है और पहला सही है और यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक सेलुलर पहला सही है चौथा सही है पहला और चौथा सही है, तो यहाँ पर पहला चौथा तो सही है तीन वो दो तीन पाँच गलत हैं, दो तीन पाँच किस में है दो तीन पाँच आंसर यहाँ पर ई सही है।
फाइंड ऑड आउट वन आउट, तो इनमें से कौन सा बता रहा है विषमय जो सिलेंटेट नहीं है इसके बारे में। फाइसेलिया डेप्सिया प्लोरोबेंकिया, मगर ऑस्ट्रेलिया ही गलत है, ऑस्ट्रेलिया जो है सिलेंटेट नहीं है, वो प्लोरो प्लोरोबेंकिया ही, ये अलग है, ये सिलेंटेट नहीं है। मेटाजेनिस रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल और असेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नॉट ए निडेरियंस, तो इनमें से कौन सा एक सिलेंटेड नहीं है, जेलीफिश तो है, ओवेलिया भी है, सी एनिमोन भी है, बोरे नहीं है, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा 161 का, बोरे यहाँ पर है तो टीनोफोरा। ईटीजी एम्प्लॉय बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, तो इसमें पाया जाता है हाइड्रा में, तो 162 का ये होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी बी हैप्पी।